मॉडलिंग में करियर बनाना आज बहुत से लोगों का सपना होता है। वहीं मिस दिवा यूनिवर्स 2019 का खिताब जीतने वाली वर्तिका सिंह से हमारे संवाददाता संदीप खेर ने खास बातचीत की। मॉडलिंग के फील्ड में जाना हर एक लड़की का सपना होता है। मिस दिवा का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं और अब मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करके भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं लखनऊ गर्ल वर्तिका सिंह। आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है R9 TV में आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। वर्तिका जी, सबसे पहले तो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि कब से आपने शुरू किया है और आज के बारे में बताएं थोड़ा सा। मैंने 2015 से अपनी जर्नी स्टार्ट करी है और जब मैं 2015 में मेरी फर्स्ट जॉब थी वर्ल्ड बैंक के साथ में एज अ टेक्निकल एडवाइज़र इन पब्लिक हेल्थ सेक्टर, क्योंकि मैंने पब्लिक हेल्थ में पढ़ाई की थी, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मिस इंडिया बन जाऊंगी या फिर मॉडलिंग करूंगी या कभी इंडिया को मिस यूनिवर्स जैसे प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करूंगी, क्योंकि ये मेरे लिए इतना बड़ा सपना था कि मुझे देखने में भी डर लगता था। और स्पेशली लखनऊ से आपको इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है इन सारे फील्ड्स में, क्योंकि हम लोग इतना कनेक्टेड नहीं है फैशन से। अब की बात अलग है, बट शायद 5 साल पहले और भी डिफरेंट था ये, तो बहुत फार फेच लगता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर कुछ भी करने की ठान लो तो नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। जब मिस दिवा यूनिवर्स का खिताब आपने लिया, कैसा माहौल था, कैसी रात थी वहाँ पे? कहा जाता है कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत भी वहाँ पे मौजूद थी, कितना ज़्यादा उन्होंने अप्रिशिएट किया आपको, कैसा लगा आपको वहाँ पे? मुझे मेरा फर्स्ट टाइम फेस टू फेस मीटिंग था कंगना रनौत जी के साथ में, और वो मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ एज एन एक्टर, क्योंकि वो फैंटास्टिक है, हम सभी जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और वो बहुत बहुत ही स्वीट और यू नो लाइक केयरिंग टाइप हैं, क्योंकि अगर जैसे कि अगर मेरा क्राउन स्लिप हो रहा है या कुछ हो रहा है तो वो फिक्स करेंगे। उनको ये नहीं है कि वो बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं तो वो ऐसी चीज़ नहीं कर सकती। वो आई थिंक एज अ वुमेन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड अंडरस्टैंडिंग है, जो कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी है एक वुमेन के अंदर, वो होनी चाहिए। और आई रियली लव्ड मीटिंग हर। क्या लगता है मिस यूनिवर्स का खिताब आपके नाम होगा? मुझे तो लगता है कि मिस यूनिवर्स का खिताब मेरे नाम होगा, और मैं पूरी दृढ़ निश्चय के साथ जा रही हूँ कि ये खिताब अब भारत को मिलना ही चाहिए इस साल। बहुत शुक्रिया मैम R9 TV से बात करने के लिए, और बहुत बहुत बधाई आपको कि जल्दी आप मिस यूनिवर्स का खिताब जीत के भारत में हैं। तो हमारे साथ थी मिस दिवा यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर चुकी वर्तिका सिंह, जो आज लखनऊ में मौजूद थी, जिनका साफ तौर पर कहना यह है कि जल्द ही मिस यूनिवर्स का खिताब भी मेरे नाम होगा और मैं भारत में उसको जरूर लेके आऊंगी। संदीप खेर कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ R9 TV लखनऊ।